चलिए ईथर को पढ़ते हैं, गॉड फिनल खत्म हो चुका था पिछले क्लास में। ईथर की बात करें तो ईथर में ये समूह होता है, तो ईथर को, ईथर के नोमेनक्लेचर को पढ़ाया गया है, इसमें वीडियो मिल जाएगा आपको। ईथर के नोमेनक्लेचर की बात करें तो दोनों तरफ अल्काइल लगना चाहिए, दोनों तरफ अल्काइल समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, जिसके आधार पर ईथर को दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है सरल ईथर, एक होता है मिश्रित ईथर। तो सरल ईथर की बात करें जिसे हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, सिमेट्रिकल, और इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, इसको सममित भी बोलते हैं, सममित ईथर, इसको बोलते हैं असममित ईथर। ये होता क्या है समझ लें, अगर दोनों ओर अल्काइल समान हो तो सममित होगा, और दोनों ओर अल्काइल असमान हो तो असममित होगा। जैसे ये ईथर है, आप अगर इधर एक कार्बन लगाते हैं इधर भी एक कार्बन लगाते हैं तब तो दोनों तरफ कार्बन बराबर है तो सममित हो गए। अगर ईथर में एक तरफ एक कार्बन लगाते हैं एक तरफ दो कार्बन लगाते हैं दोनों ओर कार्बन बराबर तो नहीं है तो असममित हो गए। तो इसका नाम दो तरीके से लिखते हैं, एक सामान्य नाम और एक आईयूपीएसी नाम। तो सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, दोनों अल्काइल का नाम लिख दीजिए डाइमिथाइल, और बीच में तो ईथर है ही, इसका नाम लिखना है। तो एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल, इथाइल मिथाइल या कहिए मिथाइल इथाइल ईथर, तो ये सामान्य नाम हो गए। लेकिन सभी ईथर का सामान्य नाम लिखना संभव नहीं, इसीलिए आईयूपीएसी नियम का सहारा लिया जाता है जिसके सहायता से सबका लिखा जा सके। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, कहता है कि ईथर दिखाई दे तो आप एक काम करें एल्कॉक्सी एल्केन नाम लिखें, जिसमें रूल है कि छोटा में ऑक्सी और बड़ा में एन। यहां पर देखिए दोनों तरफ कार्बन बराबर है, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं मिथ, फिर एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं मिथ, तो एक में जोड़ दीजिए ऑक्सी एक में जोड़ दीजिए एन, मिथॉक्सी मिथेन। यहां देखिए ये एक कार्बन छोटा हो गया दो कार्बन बड़ा हो गया, छोटा में क्या जोड़ना है ऑक्सी, एक कार्बन छोटा है भाई मिथ, दो कार्बन बड़ा है भाई इथ, एक में जो छोटा में जोड़ दिए ऑक्सी बड़ा में जोड़ दिए एन, मिथॉक्सी इथेन, हो गया नाम। लेकिन ये इथर है कैसा, असममित अनसिमेट्रिकल या मिश्रित, ये इथर कैसा है सममित सिमेट्रिकल या सरल। तो ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ कार्बन एक और बढ़ जाए, कोई बात नहीं, दोनों तरफ बराबर होगा तो सममित होगा, बराबर नहीं होगा असममित होगा, इसको नोट कर लेंगे। अगला देखिए और नाम हो सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन अगर देखा जाए तो ये देखिए मान लेते हैं बॉन्ड फैला देते हैं, इस पर और भी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, कोई बात नहीं नाम लिखना ही तो है। तो इसको इधर यहां पे लगा हुआ है तो इसको एक से गिनती शुरू कर देते हैं। अब पहले किसको लिखे, टू ब्रोमो वन पर क्या है मिथॉक्सी, मिथाइल के साथ क्या लगा है ऑक्सी, वन मिथॉक्सी टू नाइट्रो, टू पर नाइट्रो भी है और चार कार्बन का ब्यूटेन, ऐसा भी होगा। देखिए इसका नाम क्या होगा, यहां से पकड़िए आप ताकि आपको लिखने में आसानी हो, कहीं से गिनेंगे तो ये मिथॉक्सी कितने नंबर पर लगा है, दो नंबर पे, तो टू मिथॉक्सी प्रोपेन, तो इस तरीके से अगर आप चार कार्बन ही लगाते हैं मान लेते हैं तीन ही कार्बन लगाते हैं और यहां पे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन का लंबा चेन तो इधर है तो इधर वाले को गिन लिए इधर वाले को छोड़ दिए, एक पर क्या लगा मिथॉक्सी टू पर क्या लगा नाइट्रो, वन मिथॉक्सी टू नाइट्रो
और तीन कार्बन का प्रोपेन, ऐसे और भी नाम आप लिख सकते हैं। एरोमेटिक की बात करेंगे, ऐसे मेथॉक्सी बेंजीन, छोटा में ऑक्सी जोड़ना था लेकिन इसका स्पेशल नाम है एनिसोल, एनिसोल, मेथॉक्सी बेंजीन का स्पेशल नाम एनिसोल, कॉमन नाम एनिसोल है लेकिन आईयूपीएसी कहता है कि आपका ही नाम सही है, इसे ही मानता है एनिसोल को। अब देखिए बनाने का विधि, तो अगर अल्कोहल को C2H5OH ऐसे लिखा जाए तो शायद कंफ्यूजन हो आपको, तो क्या होगा, जैसे ही 443 केल्विन तक गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंटेशन में तो क्या होगा, आपको बताए थे कि भाई अगर अल्कोहल है आप गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा, तब तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन से तो लेना देना है नहीं, 413 केल्विन यानी कम गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए दो अणु आपस में संयुक्त होंगे, C2H5OH एक को उल्टा लिख देते हैं HOC2H5, ये देखिए OH और H पानी निकल जाएगा और ये दोनों आपस में दोनों अणु जुड़ जाएंगे और ईथर बनाएंगे। तो ये अभिक्रिया के परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप गर्म कितना करते हैं, तो प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी, ईथर बनेगा या एल्कीन्स। कम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो दो अणु से मिलकर एक पानी निकलेगा, ज्यादा गर्म करेंगे तो एक ही अणु से पानी निकल के एल्कीन दे देगा। लेकिन इस तरीके से एक ही ईथर बना सकते हैं, हर तरह के ईथर नहीं बनेंगे, लेकिन विलियमसन संश्लेषण के द्वारा मोस्ट वीवीआई रिएक्शन है ईथर का, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा आपसे सम्मित और असम्मित दोनों ईथर बन जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सोडियम अल्कोक्साइड ले लेंगे, अल्कोहल का एच रिप्लेस हो गया सोडियम से, अल्कोहल के रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं इसको, सोडियम अल्कोक्साइड ले लेंगे और इसकी अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से करा देंगे। तो यहां तो एन ए पे प्लस है और यहां एक्स पे माइनस है, दोनों अल्काइल में अंतर हो इसलिए एक पर डैश लगा देते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, सोडियम किसको पकड़ेगा, माइनस को, सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और इसके साथ टैग हो जाएगा अल्काइल, बन गया इथर। तो ये फॉर्मेट है, इसके आधार पर आप कई इथर बना सकते हैं। अगर आप दोनों तरफ कार्बन का संख्या समान ले लेते हैं तो ऐसे स्थिति में सममित इथर बनेगा, देख लीजिए हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लिया, Na प्लस और Cl माइनस निकल जाएंगे तो क्या बनेगा, सममित इथर। लेकिन वही अगर आप एक अल्काइल के जगह पर बदल देते हैं, यहां दो कार्बन इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड और आप रिएक्शन कराते हैं तो ईथर के प्रेजेंट थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और यहां देखिए C2H5OCH3 क्या बना भाई, असममित ईथर। दूसरा बात, आप यहां पर फेनोक्साइड ले लेंगे, सोडियम फेनोक्साइड और इसकी अभिक्रिया CH3Cl से कराते हैं तो क्या होगा, एरोमेटिक ईथर बन जाएगा CH3 और क्या NaCl, NaCl निकल गया, CH3 अटैच हो गया। अगर दोनों तरफ यहां भी क्लोरोबेंजीन लेते तो डाई फिनाइल ईथर बनता, कंप्लीटली बन जाता। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत कारगर है, इससे सममित और असममित दोनों तरह के ईथर बना सकते हैं, बन जाएगा। ईथर के भौतिक गुण की बात करें तो छोटे ईथर जो होते हैं वो गैस होते हैं, ईथर में कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो द्रव होंगे, द्रव के बाद ठोस होंगे। अगर ईथर में कार्बन का संख्या बढ़ता है तो जल में विलयता घट जाएगा, कार्बन का संख्या बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ेगा, शाखा बढ़ता है तो क्वथनांक घटेगा, इसकी जानकारी हर हाइड्रोकार्बन्स में होती है, देते आए हैं कि जब भी कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, शाखा बढ़ेगा तो घटेगा, बड़ा हेलोकेंस होगा, बड़ा इथर होगा
कार्बन की संख्या बढ़ेगी, आण्विक द्रव्यमान बढ़ेगा, दोनों भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जल में विलयता कम हो जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी को अगले क्लास में।